नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक की सभी बड़ी खबरें बताई जाती है। अगर आप भी सभी प्रकार की खबर जानना चाहते हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की आपको सबसे पहले सूचना मिल सके। आज की पहली ताजा बड़ी खबर आ रही है अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से गले मिलकर पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एयरपोर्ट से रवाना हो गए। यहाँ एयरपोर्ट से मोटेरा स्टेडियम तक दोनों नेता रोड शो करेंगे। 22 किलोमीटर के इस रोड शो के दौरान रास्ते में ट्रंप और मेलानिया कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का नजारा देखेंगे। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि रोड शो में पहले पीएम मोदी का काफिला चल रहा है। उनके पीछे ट्रंप अपनी कार में मेलानिया और बेटी दामाद के साथ आ रही है। ट्रंप की कार की स्पीड बहुत कम है, वो जांघिया का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहली बार भारत के दौरे पर आए हैं, ऐसे में देश से लेकर विदेश तक इसकी चर्चा हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे को लेकर चीन की मीडिया में भी कवरेज की जा रही है। आपको बता दें कि ट्रंप पूर्व एशियाई देशों में चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया और दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों में सिंगापुर, फिलीपींस और वियतनाम का दौरा कर चुके हैं, लेकिन वे अभी तक भारत नहीं आए थे। चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि ट्रंप ने भारत का दौरा नहीं किया था, जबकि भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका का दो बार दौरा कर चुके हैं। ऐसे में भारत को असंतुलन महसूस होता रहा होगा। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने मोदी सरकार को ट्रंप के दौरे को लेकर आगाह भी किया है। ग्लोबल टाइम्स ने एक संपादकीय लेख छापा है जिसकी शीर्षक है ट्रंप की चाल से मोदी को अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता बचानी होगी। चीन ने कहा कि भारत को तैयार बेचना ट्रंप प्रशासन का मुख्य मकसद है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था और रोजगार की स्थिति सुधारने के लिए डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के लिए दूसरे देशों को हथियार बेचना बहुत ही आवश्यक है। चीनी मीडिया ने भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए लिखा कि नई दिल्ली ने ट्रंप के दौरे से पहले वाशिंगटन के साथ 3.5 अरब डॉलर की डील फाइनल की है। भारत ने ट्रंप के लिए बहुत ही बड़ा तोहफा तैयार करके रखा है, लेकिन दूरगामी और मोदी के मेक इन इंडिया की रणनीति को देखते हुए भारत अमेरिका के साथ सभी सहयोग करने के लिए तैयार होगा जब अमेरिका भारत को साझा तौर पर हथियार उत्पादन का प्रस्ताव देता है।